किसी गांव में कविता नाम की एक औरत अपनी तीन बेटियों के साथ रहती थी। कविता बहुत ज्यादा गरीब थी। कविता की तीनों बेटियों को कभी भी अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलते थे। उन्हें हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। इसके साथ ही तीनों बहनों को खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं मिलता था, क्योंकि कविता बहुत ही कम पैसे कमा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कविता के घर के बगल में लाली नाम की एक अमीर औरत रहती थी। लाली बहुत पैसे वाली थी। उसकी दोनों बेटियां हमेशा महंगे कपड़े पहनकर घूमा करती थी। इसके साथ ही लाली के घर में सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद थी। फिर एक दिन लाली कविता से मिलने आती है। सुन कविता, आज मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मैंने घर पर पार्टी रखी है। घर पर बहुत सारे मेहमान आएंगे, जिस वजह से बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। क्या तू अपनी तीनों बेटियों को मेरे घर पर काम करने के लिए भेजेगी? यह सुनकर कविता सोच में पड़ जाती है। देख, तेरी तीनों बेटियों ने कभी अच्छा खाना नहीं खाया। अगर वे तीनों मेरे घर पर काम करेगी तो पार्टी खत्म होने के बाद मैं उन्हें अच्छा खाना खिलाऊंगी। यह सुनकर कविता खुश हो जाती है। उसके बाद वह अपनी तीनों बेटियों को लाली के घर पर काम करने के लिए भेज देती है। सुनो, तुम तीनों सबसे पहले रोटियां बनाकर तैयार कर दो। उसके बाद कविता की तीनों बेटियां ढेर सारी रोटियां बनाकर तैयार कर देती है। इसके साथ ही लाली उनसे बाकी का खाना भी बनवा लेती है। थोड़ी देर के बाद पार्टी शुरू हो जाती है। सभी मेहमान खाना खाने लगते हैं। कुछ घंटे के बाद पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाती है। मेहमानों के जाने के बाद कविता की तीनों बेटियां लाली से खाना मांगती है। लाली एक छोटी सी प्लेट में थोड़ा सा खाना तीनों बहनों के सामने रख देती है। लेकिन खाना खाते ही तीनों बहनें रोना शुरू कर देती है। ये क्या, खाने में तो बहुत ज्यादा मिर्च है, हम तो एक निवाला भी नहीं खा सकती। यह सुनकर लाली मुंह बनाकर कहती है। देखो बेकार में नाटक मत करो, मैंने तुम्हें खाना दिया है। अगर खाना है तो खाओ, वरना जाओ यहाँ से। चलो तुम तीनों निकलो यहाँ से, मुझे और मेरी बेटियों को आराम करना है। तीनों बहनें समझ जाती है कि लाली ने जानबूझकर खाने में ढेर सारी मिर्च मिलाई है। लाली की धोखेबाजी से तीनों बहनों को बहुत दुख होता है। उसके बाद तीनों बहनें वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन लाली की मुलाकात एक जादूगर से होती है। देखो, मेरे पास एक जादुई छोटा बादल है, वह तुम्हारे घर की छत के ऊपर रहेगा। जब भी तुम्हें खाने की चीज की जरूरत होगी, तुम उसके बारे में सोचोगी और वह बादल तुम्हारी छत के ऊपर तुम्हारे मनपसंद चीज की बारिश कर देगा। यह सुनकर लाली खुश हो जाती है। लेकिन जादुई बादल के बदले मैं पूरे 7 लाख रुपए लूंगा। उसके बाद लाली जादूगर को पैसे दे देती है। फिर वह जादूगर से जादुई बादल लेकर अपने घर पहुंच जाती है। उसके बाद वह जादुई बादल को अपने घर के ऊपर छोड़ देती है और जादुई बादल उसके घर की छत के ऊपर आसमान में गोल गोल घूमने लगता है। फिर लाली अपनी दोनों बेटियों को छत के ऊपर ले जाती है। चलो बोलो तुम दोनों को क्या खाना है, जादुई बादल फौरन यहाँ पर तुम्हारी मनपसंद चीज प्रकट कर देगा। उसके बाद लाली की दोनों बेटियां जादुई बादल से ढेर सारे समोसे और कचौरी मांगती है। अगले ही पल जादुई बादल के अंदर एक चमक पैदा होती है और देखते ही देखते उसके अंदर से हवा में उड़ते हुए ढेर सारे समोसे कचौरी नीचे गिरने लगते हैं। तभी कुछ समोसे कचौरी हवा में उड़कर कविता के घर के आंगन में चले जाते हैं। उस समय कविता की तीनों बेटियां घर के दरवाजे के पास बैठी हुई थी। वह तीनों समोसे और कचौरी उठाकर खाने लगती है। कविता लाली को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह कविता की पिटाई करने लगती है। इस बात से नाराज होकर कविता गांव के सरपंच के पास लाली की शिकायत कर देती है। लाली, तू अपने पैसों के घमंड में हमेशा गरीबों को परेशान करती है, इसलिए तुझे हर जाने के तौर पर कविता को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वरना मैं तुझे गांव से बाहर निकाल दूंगा। लाली के सामने कोई रास्ता नहीं था, वह मजबूर होकर कविता को पैसे दे देती है। लेकिन लाली मन ही मन कविता और उसकी तीनों बेटियों को सबक सिखाने का फैसला कर लेती है। फिर अगले दिन लाली दोबारा जादूगर दोस्त के पास जाती है। लाली जादूगर को कविता के बारे में सब बता देती है। तुम चिंता मत करो, मैं उस कविता और उसकी तीनों बेटियों को कड़ी सजा दूंगा। उसके बाद जादूगर अपनी अलमारी से काले रंग का अंडा निकालता है। फिर वह जादूगर अंडे को तोड़कर एक बोतल के अंदर डाल देता है। यह काले जादू से तैयार किया गया काला अंडे का रस है, इसे ले जाकर तुम कविता और उसकी तीनों बेटियों के ऊपर डाल देना, उसके बाद उन तीनों को कड़ी सजा मिलेगी। फिर उसी रात लाली चुपके से कविता के घर में दाखिल हो जाती है। उस समय कविता अपनी तीनों बेटियों के साथ गहरी नींद में सो रही थी। लाली फौरन बोतल के अंदर मौजूद काले अंडे का भूतिया रस निकालकर कविता और उसकी तीनों बेटियों के ऊपर छिड़क देती है। उसके बाद लाली वहां से भाग निकलती है। अगली सुबह जब कविता और उसकी तीनों बेटियों की नींद खुलती है तो अपने आप को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। कविता की तीनों बेटियों का आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर बकरी का बन चुका था।
अरे ये क्या, अचानक मेरी तीनों बेटियां आधी इंसान और आधी बकरी कैसे बन गई? तभी लाली सरपंच और गांव वालों को लेकर वहां आ जाती है। ये कविता काला जादू कर रही थी, लेकिन इसके काले जादू का असर उल्टा हो गया, जिस वजह से इसकी तीनों बेटियों का शरीर ऐसा हो गया। ये तो बहुत ही बुरी बात है, हमें फौरन कविता और उसकी बेटियों को गांव से भगा देना चाहिए। चलो इन सबकी पिटाई करके इन्हें यहां से भगा दो। कविता गांव वालों के सामने बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन वे लोग उसकी एक नहीं सुनते। उसके बाद वे सभी लोग कविता और उसकी तीनों बेटियों को मार मार कर हमेशा के लिए गांव से बाहर भगा देते हैं। फिर कविता अपनी तीनों बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है। कविता के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह अपनी बेटियों को लेकर शहर की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक बीच में जंगल पड़ता है और चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। कविता एक पेड़ के नीचे अपनी बेटियों के साथ बैठ जाती है, लेकिन उसी वक्त वहां पर एक शेर आ जाता है। अरे वाह, क्या बात है, इन तीनों का आधा शरीर बकरी है और आधा इंसान है, अब मैं इन्हें मार के खा जाऊंगा। यह सुनकर कविता घबरा जाती है और पास में पड़ा डंडा उठाकर शेर के साथ लड़ने की कोशिश करने लगती है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, रुक जा, अभी तुझे घायल कर देता हूँ, उसके बाद मैं तेरी तीनों बेटियों को खा जाऊंगा। इतना कहकर शेर कविता पर हमला कर देता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ तेज हवाएं चलने लगती है और एक काला चांद प्रकट हो जाता है। फिर काला चांद अपनी जादू शक्ति से शेर के शरीर का आकार बहुत छोटा कर देता है। यह देखकर शेर घबराकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद काला चांद कविता और उसकी तीनों बेटियों को अपनी जादुई कार के ऊपर बैठाकर उन्हें एक गुफा के पास ले जाता है। वहीं गुफा के बाहर तीन खूबसूरत लड़कियों से बने हुए बड़े बड़े घर मौजूद थे। ओ, ये तीनों जादुई घर है, तुम तीनों एक एक घर के अंदर चली जाओ। उसके बाद कविता की तीनों बेटियां एक एक घर के अंदर चली जाती है और अगले ही पल उनके शरीर पहले की तरह सामान्य हो जाते हैं। इस बात से कविता बहुत खुश होती है। उसके बाद उन तीनों घर के अंदर से तीनों बेटियों को ढेर सारे सोने के सिक्के और हीरे मोती मिलते हैं। ओए, तुम अपनी बेटियों के साथ इस गुफा के अंदर रहो, जब भी तुम तीनों को किसी चीज की जरूरत होगी तो यह तीनों लड़की घर तुम्हें तुम्हारी पसंद की सारी चीज दे देंगे। उसके बाद से कविता अपनी तीनों बेटियों के साथ गुफा के अंदर रहने लगती है। इसके साथ ही कविता अपनी तीनों बेटियों का एडमिशन एक स्कूल में करवा देती है। मैं चाहती हूँ कि हम तीनों उड़ने वाले शेर के ऊपर बैठकर स्कूल जाएं। उसके बाद लड़कियां घर तीनों बहनों को एक एक उड़ने वाला जादू शेर दे देती है। तीनों बहनें जादू शेर पर सवार होकर स्कूल जाने लगती है। लेकिन फिर एक दिन लाली और उसकी दोनों बेटियां यह सब देख लेती है। लालच में आकर लाली अपनी बेटियों के साथ तीनों बहनों का पीछा करते हुए उन तीन लड़की घर के पास पहुंच जाती है। लाली और उसकी बेटियां कविता और उसकी बेटियों को मारकर तीनों घर पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक तीनों लड़की घर के अंदर से तीन डरावनी चुड़ैल बाहर निकलकर लाली और उसकी बेटियों की पिटाई करने लगती है। उसके बाद तीनों चुड़ैल अपने दांतों से उन्हें काटने लगती है और देखते ही देखते वह तीनों चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। चलो तुम तीनों भागो यहाँ से, अगर हमें गुस्सा आ गया तो हम तुम्हें मार के खा जाएंगे। नहीं नहीं, हम तीनों को हमारे बुरे कर्मों का फल मिल गया है, आज के बाद हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उसके बाद कविता फिर से अपनी तीनों बेटियों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।